ये वो चीज़ है जिसकी मैं बता रहा हूँ आपको। Hi guys, this is Martin Sharma and you're watching Cycling on Nothing. और आज फिर बहुत ज़्यादा मौसम बहुत केड़ा हो रहा है और आज मैं फिर निकल गया हूँ राइड पे। आज मैं फरीदाबाद में राइड करने वाला हूँ। गुड़गांव फरीदाबाद रोड पे एक विलेज है मांगर, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। अभी मैं सेक्टर 28 मेट्रो के नीचे खड़ा हूँ और मैं आपको आज दिखाता हूँ। मेरे को मतलब मैंने बहुत सुना था लोगों से कि बहुत सही अच्छी जगह है, बहुत अच्छी प्लेस है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। और ये राइड मैं अकेला नहीं कर रहा, तो मैं वो भी आप जानते हो जिसके साथ कर रहा हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ। इस बाइक के साथ राइड कर रहा हूँ, शक्ल दिखाइए। मैं जान लिया ना, देखो ये इसका थोड़ा अलग हिसाब है। साइकिलिंग से लोग पतले होते हैं, ये कुछ ज़्यादा ही पतला होगा। और अभी तक तो यार कोई सीन नहीं है रुकने का, पर थोड़ा वैसा वाला वो है, वो डाउनहिल अपहिल है, तो देखते हैं अगर रुकना हुआ तो रुकेंगे, नहीं रुकना हुआ तो सीधा आपसे वहीं मिलते हैं। तो स्टे ट्यून्ड। तो गाइस फाइनली मैं GFR में चढ़ चुका हूँ और चढ़ते ही मुझे यहाँ रुकना पड़ा और बाकी लोगों को भी रुकना पड़ता होगा क्योंकि यहाँ पे चीज़ ही ऐसी बनी हुई है। ये वो चीज़ है जिसकी मैं बता रहा हूँ आपको और इसे देख के मेरे हिसाब से तो हर कोई रुक ही जाएगा। और खैर अभी तक हमने 10 किलोमीटर किया, अब 10 किलोमीटर और बचा मांगर। और अब मैं जहाँ तक है बस ये देखने के लिए रुक गया था, अब तो वहीं ब्रेक लूँगा मैं। सो स्टे ट्यून्ड। तो फाइनली गाइस हम मांगर पहुंच चुके हैं, मतलब उसके बाहर। अभी तो मैं गुड़गांव फरीदाबाद रोड पे ही हूँ, ये पूरा मेरे पीछे GFR ही है। और अगर मतलब ये पुलिस चौकी है मांगर की, और अगर हम फरीदाबाद की तरफ से जा रहे हैं तो लेफ्ट में पड़ेगा ये, मतलब पुलिस चौकी लेफ्ट में पड़ेगी, और अगर हम गुड़गांव की तरफ से आएंगे तो राइट में पड़ेगी। तो वैसे ज़्यादातर किसी को पता नहीं है कि फरीदाबाद में ऐसी भी जगह है, तो मैं आपको एक बार जगह दिखाता हूँ। और बारिश शुरू हो गई है, और बाकी एक बार ये बता, हाँ भैया ये बहुत देर में है, मैं यहाँ बहुत देर से बैठा हूँ, ये बहुत एक कैसा था एक्सपीरियंस? अच्छा नहीं था। क्या हो गया? अच्छा नहीं था भाई को एक्सपीरियंस बिल्कुल भी। वैसे लंबी लंबी राइड्स मारता रहता है, पर आज ये मेरे को बता रहा है कि 20 किलोमीटर में से 4-5 किलोमीटर तो इसने पैदल लेके आया है साइकिल, है ना, है ना। पर वो ये है ना, ये तो देख बार अब अंदर चलते हैं, मैं आपको मांगर दिखाता हूँ एक बारी। हाँ तो गाइस हम वहाँ से पुलिस चौकी से अंदर आ गए हैं और अब ये बहुत देर से ऐसी 2-3 किलोमीटर हमने ये वाली रोड की और अब आगे भी ये 1.5 किलोमीटर बचा। अब देखते हैं ये कहाँ पे एंड होती है जाके, और आपको दिखाते हैं कि क्या सीन है आगे का। हाँ तो गाइस फाइनली वो रोड एंड हो चुकी है, और जहाँ वो एंड हुई है वहाँ तो डेड एंड लग रहा है मुझे देख के। देखो व्यू देखो, और बाकी मैं एक बार इससे पूछवाता हूँ कि हाँ। और यहाँ से जहाँ तक ये गांव शुरू हो चुका है, ये पूरा गांव ही है, ये यहाँ से थोड़ा सा कच्चा रास्ता है, मैं यहीं जाएंगे। पर पहले एक बार ही मैं, हाँ भैया सर एक बार ही आप बताएंगे कि व्यू कैसा लग रहा है आपको देख के? बहुत सही है। कैसा सही मतलब? घर लेने का मन कर रहा है भाई का एक, यहाँ पर मेरा भी कर रहा था, मैंने कर रहा है, तो अब देखते हैं कब ले पाएंगे। फिलहाल अंदर चलते हैं, आपको गाँव दिखाते हैं।
फाइनली हमने ऑलमोस्ट गांव पूरा क्रॉस कर ही लिया है। अभी फिलहाल मैं यहाँ देखो यहाँ जा रहा हूँ और ये पूरा आसपास जितना भी है वो तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ क्या हिसाब है, देखते हैं एक बारी। अपने बच्चे को मैंने मतलब लौंडे को ना ऊपर भेज दिया मैंने कि देख क्या ऊपर कोई खतरा तो नहीं है। ये एक डॉगी आ गई हमारे साथ, इधर आ इधर आ। चल तू भी चल मेरे साथ ऊपर, चल आ जा। वो देखो वो रहा, हाँ हेलो करो ये। यहीं से चढ़ जाना, ओ चिल्ला मत। ये देखो देखो इसको छोड़ के जाने को मन नहीं कर रहा। क्या रुक जा, आ रहा हूँ। थक गया यार, आ जा मिट ना आ रही। अच्छा जी देखो इसने इसे बुला लिया, देखो देखो ये आ गया। चलो ये भी टाइट हो रहा है। थक गया बिल्कुल। व्यू देखिए देखिए क्या जगह है। अरे यार ये रो रही है, मत रो। इनको भी नहीं अच्छा लग रहा होगा तो रो रही है यार, मत रो। हेलो इधर आके थोड़ा एक्सप्लेन तो कर दो जगह के बारे में। ये अपना बैग और हेलमेट वहीं छोड़ आया, बेचारे थक गए। भाई ठीक हो ना, ठीक हो ना? अरे अरे ठीक है भैया, मान लिया स्टंट मैंने, इसका मैं थोड़ी आप तो। अब जगह तो बताओ, मैं भी आ रहा हूँ। हाँ तो कैसी लग रही है आपको ये जगह? बस कुछ तो बताइए। नहीं ज्यादा थक गया है, थक गया है ना तू तो? देखो यार व्यू देखो, मैं तो बस आपको क्या ही बताऊं, मेरे को तो क्या कहते हैं mesmerized, I am totally mesmerized। पार्टीज वगैरह भी होती हैं यहाँ, पार्टीज वार्टीज भी होती है, बता रहा है कि देखा देखा है इसने कि बहुत अच्छा क्राउड भी बहुत अच्छा आता है तो पब्लिक आ सकती है। ये जो हरे हरे ये है ये ऐसी है, मतलब पार्टीज पार्टीज वार्टीज के लिए किसी कुछ माना किसी का कोई मन हो पार्टीज वार्टीज का तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। बहुत देख लीजिए कि कितनी सेक्सी जगह है, तो फिर आगे देखिए। ये हमने यहाँ पे एक नया दोस्त बनाया है, नई दोस्त बनाई है। चलो थोड़ी देर तेरे साथ बैठते हैं हम और आपसे अभी थोड़ी देर में मिलते हैं। फाइनली गाइस हम मांगर से बाहर आ चुके हैं और अभी यहाँ से ये जो रोड है ये सीधा हमें वहाँ फरीदाबाद की तरफ लेके जा रही है। अब हम यहाँ से अपने घर जा रहे हैं और बाकी आई होप आपको ये जगह बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि मुझे भी बहुत पसंद आई है तो पसंद आपको भी आई ही होगी। तो क्या गांव तो सभी को पसंद आता है ना, कि सबको मतलब नॉस्टैल्जिक वाली फीलिंग आ जाती है कि यार मतलब अपना अपना ही गांव लगता है, ऐसा लगता है कि अपने ही गांव में आ गए। मुझे तो ऐसा ही लगा कि अपने ही गाँव में आ गया मैं। और बाकी अब मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और यार अब तो इतनी बढ़िया जगह लेके आया हूँ, अब तो ये घंटी बजानी पड़ेगी। देखो धड़ पड़ बजाओ और फिर मिलो मेरे से नेक्स्ट वीडियो में।